हेलो ऑल, वेलकम टू टीटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ए वेल ऑफ डायमीटर 140 सेंटीमीटर हैज स्टोन पैरापेट अराउंड इट। इफ द लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द पैरापेट इज 616 सेंटीमीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द पैरापेट। करेक्ट। यहाँ पर वेल का डायमीटर हमको गिवन है जो कि 140 सेंटीमीटर है। डायमीटर से हम रेडियस इजीली निकाल सकते हैं, जो कि वेल को अगर हम इनर सर्कल लेंगे और उसका जो पारापिट है उसको आउटर सर्कल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में हम कर चुके हैं। तो ये वेल हो गया और ये हो गया हमारा पारापिट। पारापिट मतलब आपका जो स्टोन में जो एरिया बनाया गया है, मतलब बाउंड्री टाइप का जो एरिया बनाया जाता है ना, उसी को पैरापेट बोला जाता है। तो यहां से यहां तक हमारा 70 हो गया, तो लिख देंगे डी इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर और आर इज इक्वल टू डी बाय टू। रेडियस हम निकालेंगे जो कि 140 डिवाइडेड बाय टू 70 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। करेक्ट। तो ये यहां से यहां तक का रेडियस 70 हो गया। करेक्ट। तो इस पॉइंट से आउटर का रेडियस उसको भी निकालना है। अगर अगर हमको वो मिल जाएगा तो हम माइनस कर लेंगे इस ये जो आउटर एरिया रेडियस से इनर एरिया रेडियस को माइनस कर देंगे तो इस एरिया हमको पता चल जाएगा, क्योंकि ये पाथ हमको फाइंड आउट करना है। विड्थ ऑफ द पैरापिट हमको पूछा गया है कि नहीं। तो और क्या गिवन है, सर्कुम्फेरेंस ऑफ पैरापिट मतलब जो आउटर एरिया का जो एज है वो लेंथ है, इसी का वैल्यू 616 गिवन है। तो लिख देंगे सर्कुम्फेरेंस ऑफ आउटर पैरापिट इज इक्वल टू कितना 616 सेंटीमीटर इंप्लाइज 2 पाई आर इज इक्वल टू 616 आर इज इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये आउटर एरिया के लिए रेडियस हम निकाल रहे हैं। करेक्ट। तो इसको हम आउटर आर आउट लिख देती हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। करेक्ट। ये आर इन, ठीक है, मतलब वेल का भी बोल सकते हो, इसलिए मैं यहां पर आउटर पैरापिट तो 616 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। अभी क्या करना है, 11 पे 2, ये 11 पे 56, इस टू पे कट करेंगे कितना 2 8, इसको 14, ये हमारा 14 आ गया। ठीक है, 14 इंटू 7 कितना 98 जो कि सेंटीमीटर। तो आउटर पैरापिट का रेडियस ऑफ आउटर पैरापिट इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो अभी क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द पैरापिट। देयरफॉर विड्थ ऑफ पैरापिट इज इक्वल टू आउटर पैरापिट माइनस इनर वेल लेयर, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब वो जो रेडियस है। ठीक है, तो आउटर पैरापिट हमारा कितना, रेडियस ऑफ आउटर पैरापिट रेडियस लिख देती हूं, और रेडियस ऑफ इनर वेल लेयर 98 माइनस ये कितना था इनर का 70, ये इसका यहां से यहां तक का रेडियस कितना था 70, तो ये 28 सेंटीमीटर हमारा विड्थ ऑफ पैरापिट। करेक्ट।
जो कि हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ ए बस इन 2000 रोटेशंस इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 98 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो व्हील का वो डायमीटर हमको गिवन है और फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ ए बस इन 2000 रोटेशंस। 2000 रोटेशन डिस्टेंस वो कवर किया है व्हील, तो उसी एक रोटेशन हमारा सर्कुम्फेरेंस ऑफ ए सर्कल, अदरवाइज सर्कुम्फेरेंस ऑफ दैट व्हील आप बोल सकते हो। करेक्ट, तो हमको क्या करना है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिस्टेंस कवर बाय व्हील लिख देंगे। ये तो डायमीटर हमको गिवन है, पर हमको डिस्टेंस इन वन रोटेशन मतलब इज इक्वल टू सर्कुम्फेरेंस ऑफ दैट व्हील। करेक्ट, तो वन रोटेशन इक्वल टू सर्कुम्फेरेंस ऑफ दैट व्हील। तो 2000 रोटेशन, पहले हम वन रोटेशन निकाल लेते हैं, मतलब सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, उसी को हम 2000 रोटेशन मतलब 2000 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन रोटेशन इज इक्वल टू सर्कुम्फेरेंस ऑफ दैट व्हील। तो सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू डी बाय 2, जो कि 98 बाय 2 है कि नहीं, अदरवाइज आप यहाँ पर आर भी निकाल सकते हो ऐसे, डी इज इक्वल टू 98, आर इज इक्वल टू डी बाय 2 जो कि 98 बाय 2 49 है कि नहीं। आप मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट किया हूँ क्योंकि हमको तो 98 सेंटीमीटर गिवन है, तो 2 यहाँ पर कैंसिल और 7 पे कट करते हैं, ट्वेंटी टू इंटू नाइन्टी एट कितना होगा 22 308 हमारा आंसर है। ठीक है, जो कि वन रोटेशन आप बोल सकते हो, अदरवाइज सर्कुम्फेरेंस ऑफ दैट व्हील भी बोल सकते हो। व्हील का सर्कुम्फेरेंस हमको मिल गया 2 पाई आर इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय, हमने वन रोटेशन पे निकाला है पर हमको पूछा क्या गया है, 2000 रोटेशन पे बस डायमीटर गिवन है और 2000 रोटेशन पे डिस्टेंस कवर हमको बोला है। इन वन रोटेशन डिस्टेंस कवर कवर 308 सेंटीमीटर, इन 2000 रोटेशन रोटेशन डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू 308 इंटू 2000, वन के लिए 308, ज्यादा के लिए क्या करेंगे, मतलब 2000 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 308 इंटू 2 कर देंगे, उसके बाद हम जीरो लगा देंगे, 616 30, करेक्ट, जो कि हमारा सेंटीमीटर पे है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 100 पे डिवाइड करके, हमारा मीटर आ जाएगा,
616 और 0 मीटर, क्योंकि अगर 100 हम डिवाइड कर लेंगे तो 20 कट हो जाएगा और मीटर आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर। आप पे बुक में आपको जो भी यूनिट में पूछा गया हो आप वैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।